नमस्कार सभी शोपियान के लोगों को। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनके कोऑपरेशन को लेकर कि जिस हिसाब से उन्होंने हमें कोऑपरेट किया पहले और सेकंड डोज को पूरा लगवाने में। दूसरा चीज़, आप सभी को पता है कि थर्ड वेव इस समय चल रही है, पूरे देश में हर जगह केसेस आ रहे हैं, पूरे यूटी में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग सबसे पहले कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो कि मास्क लगाना हो गया, 6 फीट की दूरी और हर समय अपने हाथ को धुलते रहना है, बचाव करना है, इनका इन नियमों का पालन करें। जो भी गाइडलाइंस या नियम आते हैं सरकार द्वारा, चाहे जिला स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो या केंद्र स्तर पर, जो भी गाइडलाइंस आती हैं उनको आपको अच्छे से फॉलो करना है। दूसरा चीज़, आज सभी से गुजारिश है कि जो भी बूस्टर डोज का कार्यक्रम चल रहा है, जो भी इस डोज के लिए एलिजिबल हैं, वो तुरंत जाकर अपने जो नज़दीकी मेडिकल सेंटर है या फिर हेल्थ ऑफिशियल्स को कॉन्टैक्ट करें और बूस्टर डोज लगवाएं। वो आपकी सुरक्षा में काफ़ी अहम रोल प्ले करेगा। आपको पता है कि अपने यहाँ जो केसेस हैं वो काफ़ी रोकथाम इसीलिए होती है कि हम सभी लोग पूरी तरीके से पहला और दूसरा डोज लगवा चुके हैं, तो उसमें काफ़ी राहत मिली है, ऐसा पिछले सेकेंड वेव में भी देखा गया है। तो आप सभी से गुजारिश है कि जहाँ भी डोजेज लग रहे हैं, नियरेस्ट कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से आप कॉन्टैक्ट करें, वो आपको मदद करेंगे डोजेज लगने में। आपसे फिर अपील है, बिना ज़रूरत के घर से बाहर ना निकले, और सभी को जो कोई भी वॉयलेशन करता है आप उसको समझाएं भी कि वॉयलेशन ना करें। ये हम सभी के हित में है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, किसी को भी बीमारी ना लगे, और अगर हम बचाव करेंगे तभी ऐसा संभव हो पाएगा। आपके इर्द गिर्द जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, नंबरदार हैं, सरपंच हैं, या जो भी हमारे बड़े सम्माननीय लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि वो अपने क्षेत्र में ज़रूर हमारी बातों को, सरकार की बातों को लोगों तक पहुँचाएँ और कोरोना के जो विरुद्ध लड़ाई है उसमें हमारी मदद करें।